जय माता दी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 और 27 अप्रैल 2022 के धनु राशि फल के बारे में। धनु राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे, क्या योग बनेगा और ग्रह आपकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित करेंगे, जानेंगे आपके कैरियर, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन सभी के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों जानते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, क्या नक्षत्र होगा और कौन से योग बनेंगे। बात करते हैं सबसे पहले इन 2 दिनों के पंचांग के बारे में। 26 अप्रैल 2022 कृष्ण पक्ष का मंगलवार का दिन होगा। एकादशी तिथि अगले दिन सुबह 12:49 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। ब्रह्म योग शाम 7:04 तक रहेगा, फिर इंद्र योग शुरू हो जाएगा। सतभिषा नक्षत्र शाम 4:56 तक रहेगा। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। सूर्यदेव मेष राशि में विराजमान होंगे और चंद्रदेव कुंभ राशि में विराजमान होंगे। राहु काल का समय दोपहर 3:36 से शाम 5:14 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त यानी शुभ समय सुबह 11:52 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। बात करें 27 अप्रैल 2022 की तो कृष्ण पक्ष का बुधवार का दिन होगा। द्वादशी तिथि अगले दिन सुबह 12:25 तक रहेगी, फिर त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। इंद्र योग शाम 5:35 तक रहेगा, फिर वैधर्ती योग शुरू हो जाएगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शाम 5:05 तक रहेगा। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। सूर्यदेव मेष राशि में विराजमान होंगे और चंद्रदेव मीन राशि में विराजमान होंगे। राहु काल का समय दोपहर 12:19 से दोपहर 1:57 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं होगा। दोस्तों 26 और 27 अप्रैल को चंद्रमा आपके तृतीय और चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे और यहां 26 अप्रैल को मंगल और चंद्रमा की युति होगी। 27 अप्रैल को गज केसरी योग बनेगा और त्रिपुष्कर योग बनेगा और इन दोनों योगों में शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे। जब शुक्रदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे यानी आपके चतुर्थ भाव में होंगे तो यहां देवगुरु पहले से ही विराजमान है आपके चतुर्थ भाव में और यहां चंद्रमा भी चतुर्थ भाव में होंगे 27 अप्रैल को। तो 26 अप्रैल को तो चंद्र और मंगल की युति होगी और 27 अप्रैल को शुक्र गुरु और चंद्रमा तीनों ग्रह चतुर्थ भाव में त्रिग्रही योग बनाएंगे। तो यह अद्भुत संयोग और बनने वाले महत्वपूर्ण योग आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले होंगे। ज्योतिष के अनुसार जहां चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है वहां मंगल क्रोध और ऊर्जा का प्रतीक है। तो एक तरफ जहां चंद्रमा को शांत ग्रह की श्रेणी में रखा गया है वहीं दूसरी तरफ मंगल को साहस, पराक्रम और बल का प्रभुत्व प्राप्त है। अर्थात चंद्र और मंगल की युति भावना और पराक्रम का मेल है और इन दोनों ग्रहों की युति आपके तीसरे भाव में है। तीसरा भाव बुद्धि और पराक्रम को दर्शाता है। तो यहां आप बुद्धिमानी होंगे, आप में सोच समझ अच्छी होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी और पराक्रमी होंगे। यह समय व्यापार व्यवसाय में अच्छी सफलता वाले दिलाने वाला होगा। इस राशि के छात्रों को भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, स्मरण शक्ति अच्छी होगी और बड़ों का और गुरुजनों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा और इस दौरान व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोग अच्छा धन अर्जित करने में कामयाब होंगे। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी जो सबको मोहित करने का काम करेगी। इस दौरान आप अद्भुत संवाद शैली करने वाले होंगे, कोई भी संकोच नहीं करेंगे, लेकिन कई बार आपके अंदर आत्मविश्वास और साहस की कमी होगी और कई बार गुस्से की भी अधिकता होगी क्योंकि यहां मंगल आपकी वाणी को कटु कर सकते हैं।
तो ऐसे में आप अपने दोस्तों को भी अपना दुश्मन बना सकते हैं। तो अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, क्रोध पर काबू रखना होगा। 27 अप्रैल को गज केसरी योग बनेगा, जो गज के समान शक्ति और धन देगा। इस दौरान आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। बौद्धिक शक्ति के अनुसार धन दौलत मान सम्मान प्राप्त करेंगे। आपकी दूरदर्शी सोच होगी और अपनी सूझबूझ से साहस से कार्य क्षेत्र में अच्छे फल की प्राप्ति होगी। व्यापार व्यवसाय में ऊंचे मुकाम हासिल होंगे। धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होंगी और शुभ फल की प्राप्ति होगी। धन में अच्छी बढ़ोतरी होगी। संतान का सुख भी इस योग में प्राप्त होता है। और बात करें त्रिपुष्कर योग की, तो इस योग में धन लाभ होने से 3 गुना फायदा मिलता है। और यह भी माना जाता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में 3 बार करने का मौका मिलता है। मकान, वाहन, आभूषण या कोई कीमती वस्तु खरीदने के लिए यह योग शुभ माना जाता है। इस योग में पूजा पाठ करना, धार्मिक यात्राएं करना अच्छा लाभदायक होता है। बड़े सौदे करना भी इस दौरान उचित माना जाता है। इस योग में कर्ज लेने से बचना चाहिए, ऋण का लेन देन करना निषेध माना जाता है। और इस योग में मनुष्य को गलत कार्य नहीं करने चाहिए। और 27 अप्रैल को शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में गोचर कर जाएंगे, यानी चतुर्थ भाव में होंगे और गुरु के साथ युति करेंगे। गुरु भी यहां चतुर्थ भाव में होंगे और यहां शुक्र आपके छठे भाव और लाभ के 11वें भाव को नियंत्रित करता है, जो आपका प्रतियोगिता और लाभ का भाव है। तो ऐसे में शुक्र यहां आपको पेशेवर रूप से अनुकूल परिणाम देने का कार्य करेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान यदि आप कोई वाहन खरीदने की प्लान कर रहे हैं तो वहां भी सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और यहां शुक्र और गुरु की कृपा दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन को सुखद करेगी। पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा और परिवार में खुशी का माहौल होगा। तो इन 2 दिनों में बनने वाले अद्भुत ग्रहों की युति आपके पक्ष को मजबूत करेगी और सकारात्मक परिणाम देने का कार्य करेगी। इस दौरान आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। गृहस्थ जीवन यानी दाम्पत्य जीवन खुशियों भरा होगा। शुक्र की कृपा दृष्टि उन लोगों को भी सकारात्मक परिणाम देगी जो प्रेम संबंध से जुड़े हुए हैं और विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो यह समय शुभ साबित होगा। इस दौरान आप अपने आप को तंदुरुस्त और स्वस्थ महसूस करेंगे। यदि आप पुराने समय से किसी बीमारी से परेशान थे तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। तो यहां सब कुछ आपके पक्ष में होगा। केवल आपको अपने गुस्से पर और कटु शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना होगा। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े